हेलो नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी में आप सभी का वेलकम है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अपने यहाँ पर सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर के लिए विज्ञान वीर बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आपकी फैकल्टी रहेंगी। ये आपको बायो पढ़ाएंगे आशीष सर, फिजिक्स पढ़ाएंगे अभिनंदन सर, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी मैं और बॉटनी पढ़ाएंगे आपको ममता मैडम। आज देखो अपना टॉपिक है एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल। सबसे पहले है एमिनो अम्ल। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा मैम एमिनो अम्ल है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट होती है, एकलक इकाई जो होती है, वो क्या होती है? एमिनो एसिड। किसकी? प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट, या आप बोलोगे एकलक इकाई। एकलक इकाई कौन होती है? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड पे से आपके क्वेश्चन आता है, एमिनो एसिड आपके सिलेबस में है। बात आती है एमिनो एसिड क्या होते हैं, किस में आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो कौन से यौगिकों में पाया जाएगा? आप बोलोगे कार्बनिक यौगिकों में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमिन समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित हो तो वो एमिनो अम्ल कहलाएंगे। कैसे? आपको पता है, जैसे मैं बोलूं कि ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आप बोलोगे मैम कार्बन की संयोजकता होती है 4। एमिनो अम्लों के अंदर इस कार्बन की एक संयोजकता पे होती है आपका कार्बोक्सिलिक समूह COOH, ठीक है, एक होता है एमिन समूह NH2, एमिन NH2 को बोलता है, और एक हाइड्रोजन। ये 3 ग्रुप फिक्स है, ठीक है, 3 ग्रुप फिक्स है। और चौथा ये जो ग्रुप होता है जिसको मैं R लिख दूं, ये R आप बोलोगे क्या होती है? आप बोलोगे पार्शियल चेन या हिंदी में पार्श्व श्रृंखला, पार्शियल चेन या फिर पार्श्व श्रृंखला। आर कुछ भी हो सकता है, किसी के अंदर आर का मतलब CH3 ग्रुप भी हो सकता है या कोई बड़ी चेन भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इन 3 से डिफरेंट होगा, ठीक है। अब आपने देखा, जब मैं ऐसा लिख रही हूँ, यानी एमिनो अम्लों पे एक पे COOH ग्रुप है, एक पे NH2 ग्रुप है, एक पे आपका H ग्रुप है और एक आपका कोई R है, तो आप देखो कार्बन की चारों संयोजकताएं या चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो। जब कार्बन की चारों संयोजकता हो या चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो तो वो कौन सा कार्बन हो जाता है? वो कार्बन आपका हो जाता है किरेल कार्बन। स्टार लगाओ, कौन सा? किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन, जिस भी एमिनो अम्लों में किरेल कार्बन पाए जाएंगे, जिनमें किरेल कार्बन है, वो होते हैं प्रकाशिक ध्रुवण, प्रकाशिक ध्रुवक, यानी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। अब मानो एक एमिनो अम्ल आपका आएगा, पहले आगे अपन करेंगे बात, उसमें आर नहीं है, उसमें आर की जगह एच ही ग्रुप आएगा, आर की जगह क्या आएगा? एच। जब यहाँ एच रखोगे तो ये 2 संयोजकताओं पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो यानी ये किरेल कार्बन नहीं है। किरेल कार्बन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव या प्रकाशिक अध्रुवक होगा। पहले बात अपन यही कर रहे हैं, एमिनो अम्ल क्या होते हैं। तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमिन समूह उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे? एमिनो अम्ल। ये इसका हो गया सूत्र। ये कार्बन है, इस पे COOH ग्रुप, एमिन ग्रुप, हाइड्रोजन, ये फिक्स है। आर चेंज होता रहेगा, आर आपकी है पार्श्व श्रृंखला या पार्शियल चेन। अब है इनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले एमिनो अम्लों का वर्गीकरण अपन करते हैं कि इसमें एमिन समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पे, कि इनकी पोजीशन कहां पर है, पोजीशन के आधार पे इनका वर्गीकरण करते हैं। तो पोजीशन आती है अल्फा बीटा। जैसे मैं इस कार्बन की बात करूं, इस पे COOH के रेस्पेक्ट में कर रही हूं, मैं COOH के रेस्पेक्ट के जस्ट पास वाला कार्बन है जिसपे ग्रुप जुड़ा है, तो ये कार्बन कौन सा हो गया? आप बोलोगे मैम अल्फा कार्बन हो गया। अगर ऐसा कुछ होता कि COOH ऐसा है, मैं पूछूं ये कार्बन कौन सा है, ठीक है, यहां मान लो मैं जोड़ दूं NH2, मैं पूछूं COOH के रेस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा है, तो आप बोलोगे जस्ट पास वाला अल्फा और उसके आगे वाला बीटा, इसके आगे वाला कोई होता तो गामा। अल्फा बीटा गामा इनकी स्थिति के आधार पे, अगर जस्ट पास वाला कार्बन पे जुड़े तो अल्फा, उसके एक आगे जुड़े तो बीटा, उसके एक आगे जुड़े तो गामा, ठीक है, ये कर लोगे। इस पे अब क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्लासिफिकेशन है अभी आपका। अब देखो, अब है वर्गीकरण में आगे, आगे वर्गीकरण में आएंगे तो आएगा एमिनो अम्लों के वर्गीकरण में कि एमिन आपके कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पे और एमिन समूह के आधार पे ये क्षारीय भी हो सकते हैं, ये अम्लीय भी हो सकते हैं और ये उदासीन भी हो सकते हैं, यानी ये बेसिक भी हो सकते हैं एमिनो एसिड, एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एमिनो अम्ल कैसे पता करेंगे अपन? मानो ऐसा एमिनो अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है, ये समूह है और एमिन समूह है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक कौन सा आयन देगा, ये कैसे टूटेगा, COO- और H+, ये H+ देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी इस ग्रुप की वजह से तो इसका अम्लीय नेचर होता है। और एमिन कैसी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की, ठीक है। क्यों होती है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, दान कर देंगे आराम से, या इस पे ये होता है क्षारीय प्रकृति का, ये होता है एसिडिक प्रकृति का। मानो ऐसा एमिनो अम्ल है जिसमें जितने COOH ग्रुप है उतने ही NH2 ग्रुप है। अगर एक CH2 है, एक COOH ग्रुप है तो एक NH2 ग्रुप है, बराबर है दोनों। जब दोनों की संख्या बराबर हो, जब दोनों की संख्या समान हो, तो वो कैसा एमिनो अम्ल होता है, वो होता है उदासीन। अगर एमिन समूह की संख्या ज्यादा हो COOH से तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षारीय। और यदि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या ज्यादा हो तो वो हो जाएगा अम्लीय। अगर दोनों की सेम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी इसकी अपन बात कर रहे थे कि एमिनो अम्लों का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये लो, ये नॉर्मल है। पूछो इसकी प्रकृति कैसी है, आपने देखा COOH भी एक है, NH2 भी एक है, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये उदासीन है। अगर मैं किसी पे COOH ज्यादा कर दूं, यानी इधर कोई ग्रुप COOH जोड़ दूं, समझाने के लिए बता रही हूँ, तब आप देखोगे यार NH2 ग्रुप एक है, COOH दो है, COOH दो है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया। ये वर्गीकरण आ गया समझ में। अब आता है कि एमिनो अम्ल पोषण की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, पोषण की दृष्टि से। पहला तो था स्थिति के आधार पे, दूसरा था समूह के आधार पे, तीसरा था पोषण के आधार पे। ये इंपॉर्टेंट है। पोषण के आधार पे एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे दो, एक होते हैं आवश्यक, एक होते हैं अनावश्यक, यानी एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल या आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी अपनी बॉडी में जरूरत है, जिसको आप भोजन के थ्रू लोगे, भोजन के द्वारा अपन जिनको लेते हैं, जिनकी जरूरत है, आवश्यकता है, वो कौन से एमिनो अम्ल होंगे? आवश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक का मतलब है जिनकी जरूरत नहीं है, जो बॉडी में ऑलरेडी बन रखे हैं, वो कौन से होते हैं? अनावश्यक एमिनो अम्ल। देखो यही है आवश्यक एमिनो अम्ल, वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते, जिनको भोजन में लेना आवश्यक होता है। आवश्यक का मतलब भाई लेना जरूरी है, ले क्यों रहे हैं? क्योंकि बॉडी में नहीं बन रहे, इसलिए ले रहे हैं। तो कौन से हो गए? आवश्यक एमिनो अम्ल हो गए। अनावश्यक का मतलब है जिसको अपन ले नहीं रहे हैं भोजन के थ्रू, ऑलरेडी बॉडी में है, तो वो कौन से हो गए? अनावश्यक एमिनो अम्ल हो गए। अब मैम इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो इस टेबल में मैंने 20 एमिनो एसिड लिख रखे हैं। टेबल में आपके कितने एमिनो एसिड है? 20 एमिनो एसिड पे से 10 पे मैंने ऐसा स्टार लगा रखा है, 10 एमिनो एसिड पे मैंने ऐसा स्टार लगा रखा है। स्टार वाले कौन से होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अब आप बोलोगे मैम याद कैसे रखूं आवश्यक को, तो देखो इसकी एक ट्रिक है, आवश्यक एमिनो अम्लों की एक ट्रिक है, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीवी मिल पाथ। देखो इसमें सभी के नाम मिलेंगे। अपन ने लगा रखा है वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है। वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन और लाइसिन। उसके बाद है थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, इनके ऊपर स्टार है। तो देखो अपनी जो ट्रिक है, इसका हो जाएगा वेलिन, इसका हो जाएगा मिथियोनिन, इसका हो जाएगा आइसोल्यूसिन, इसका ल्यूसिन, ठीक है, इसका फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन। कौन से बच गए? और आपके बच गए ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, हाँ इस एल का मतलब है लाइसिन, ठीक है, और इसका मतलब है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसो ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, और एक मिनट रुकना, देखो नाम ये रे वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है। इसके बाद थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, टीवी मिलपात पूरा इसके अंदर है। तो आप कैसे याद रखोगे? टीवी मिलपात वाले हैं आवश्यक, बाकी जितने भी हैं 10 हैं आवश्यक, 10 हैं अनावश्यक, ठीक है। ये तो आप याद रख लोगे। अब देखो आप में अगर मैं पहले की बात करूं, पहले एमिनो एसिड की यदि मैं बात करूं, पहला कौन सा है? ग्लाइसिन, जो आपका होता है ग्लाइसिन। इसमें जो आर होता है आपका वो होता है एच। एलानिन में अगर आर की बात करूं तो वो होता है CH3 ग्रुप। बाकी चैन बढ़ती जाएगी, इसमें CH3 CH2 होता है, किसी में रिंग होती है, किसी में कुछ होता है, ठीक है, सब में बढ़ता ही जाएगा। आपने देखा कि जो आपका ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, कौन सा? ग्लाइसिन, यानी एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या था आपका? COOH NH2 और HR। आर इसमें क्या होता है? एच। आर एच होते ही आपको पता है कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग ग्रुप नहीं है, दो संयोजकताओं पर आपका एच जुड़ा है। एच जुड़ा है इसका मतलब ये किरेल कार्बन नहीं है। किरेल कार्बन नहीं है तो कौन सा हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव, प्रकाशिक अध्रुवक। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक अध्रुवक होता है या प्रकाशिक निष्क्रिय होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? तो 20 में से एक ही है, पहला कौन सा? ग्लाइसिन। कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहला क्वेश्चन यही आता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि आवश्यक कौन सा होता है, अनावश्यक कौन सा होता है, कोई चार एमिनो एसिड देके। तो आवश्यक एमिनो एसिड या एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से हैं? टीवी मिलपात। कौन से हैं? टीवी मिलपात, ठीक है। इसका नाम याद रख लोगे, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलानिन, एनानिन, हिस्टिडीन और आपका ट्रिप्टोफेन, ये हो जाएंगे, रख लोगे। ये है आवश्यक। अब कई बार आ जाता है कि इनमें से कौन सा तो आपका एसिडिक एमिनो अम्ल है, अम्लीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है, उदासीन कौन सा है, यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन फिर से देख लो, या तो आवश्यक अनावश्यक पे आता है। टीवी मिलपात आवश्यक है 10 और बचे वो अनावश्यक है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कौन सा प्रकाशिक अध्रुवक या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहला ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में आर जो ग्रुप होता है वो होता है एच, इतना याद रख लोगे। उसके बाद आता है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक मैं यहां लिख रही हूं, ट्रिक है हिज लाइज आर एसिडिक, हिज लाइज आर एसिडिक, ठीक है। उसके झूठ अम्ल के समान कड़वे हैं, उसके झूठ अम्ल के समान कड़वे हैं, याद रख लोगे। अब एसिडिक कौन कौन से हैं? देखो एसिडिक दो ही हैं, एक इसके अंदर आपके आप ही रखे होंगे, ढंग से देखो, ग्लूटेनिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, नाम आ रहा है लास्ट में अम्ल, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो एसिड में तो एसिड नाम आ रहा है, कौन कौन से हैं आप बोलोगे? ग्लूटामिक एसिड है, दूसरा मैं बोलूं कौन सा है तो आप बोलोगे मैम एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। एसिडिक ये दो ही हैं, बाकी ये तीन, तीनों के तीनों कैसे हैं? ये तीनों के तीनों आप बोलोगे मैम ये तीन जो आ रहे हैं इसके अंदर ये हैं बेसिक। कैसे हैं? बेसिक, नाम HIS, हिज, हिस्टिडीन, नाम से ही पता चल रहा है, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, लाइज, लाइसिन, आर, आर्जिनिन, ठीक है। लाइसिन, आर्जिनिन, कौन सा है? ये रहा आपका ल्यूसिन, लाइसिन इसको बोल दो चाहे, ठीक है। ये रहा, सॉरी ये ल्यूसिन नहीं, ये रहा लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ये रहा आपका। और अगला आपका कौन सा था? अगला था हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ये रहा। इन तीन का नेचर कैसा होता है? इन तीन का नेचर बेसिक होता है। बोलने का मतलब ये है इसमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप इक्वल नहीं है, इसमें NH2 ग्रुप ज्यादा है इसलिए बेसिक है। और एसिडिक कौन सा है? एसिडिक आप बोलोगे मैम ग्लूटामिक और एस्पार्टिक, मैं बोलूं भाई बेसिक कौन से? हिज, लाइज, आर, हिज, हिस्टिडीन, लाइज, लाइसिन, आर, आर्जिनिन, तीन ये बेसिक है। इसके अलावा जो भी बचे मैम वो सारे न्यूट्रल है। न्यूट्रल आपको याद नहीं करने, न्यूट्रल आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने, आपको 5 याद रखने हैं। ये 3 बेसिक है और ये 2 एसिडिक है, बचे वो सारे न्यूट्रल है, याद रख लोगे। एमिनो एसिड के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 90% यहीं से आते हैं। आवश्यक एमिनो एसिड कौन से? टीवी मिल पाथ, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? पहला ग्लाइसिन। उसके बाद आता है कौन सा एमिनो एसिड है जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं? दो, ग्लूटामिक एस्पार्टिक। कौन सा एमिनो एसिड है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं? तीन। कौन से? हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। बच्चे वो सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। आगे इतना समझ में। उसके बाद देखो क्वेश्चन ज्यादा यहीं से आता है। फिर आता है ज्यूट्राइन या ज्यूट्राइन या ओबेनिस्टाइन क्या होते हैं? ज्यूट्राइन या ओबेनिस्टाइन का मतलब है कि एमिनो अम्ल सामान्य एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। किसकी भांति करेंगे? लवणों की भांति। लवणों की भांति कैसे करेंगे? आपको पता है, जैसे इसमें देखो, आपको पता है ये एमिनो एसिड आपका, इधर बता देती हूं मैं। जैसे मैं ये लूं, ये नॉर्मल एमिनो एसिड का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही इसको जलीय विलयन में डालते हो, यानी इसमें पानी ऐड करते हो, पानी ऐड करते ही एसिड क्या होता है, अपना H+ आयन त्याग करती है। H+ आयन त्याग कर देगी तो बाहर क्या आ जाएगा, बचा उस ग्रुप पे क्या आएगा, यहाँ से H+ निकाल रहे हो तो पीछे वाले पे माइनस आएगा, ये H+ इस पे जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर। जुड़ा तो इस पे आ गया प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। आपको पता है जलीय विलयन के अंदर प्लस माइनस दोनों चार्ज साथ चलते हैं तो वो लवण होता है, सोल्ट होता है। तो बेनिस्ट आयन वही है कि जब भी एमिनो अम्ल में उसका जलीय विलयन लेते हैं, अपने एमिनो अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना एक प्रोटोन त्याग कर देता है और एमिन ग्रुप उस प्रोटोन को ग्रहण कर लेता है और क्या बन जाता है, एक लवण बन जाता है। उस लवण को बोलते हैं ज्यूट्राइन या उबेनिस्ट आयन। कौन सा आयन बोलते हैं? ज्यूट्राइन या उबेनिस्ट आयन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ज्यूट्राइन और उबेनिस्ट आयन दोनों हैं तो द्विध्रुवीय आयन बन जाता है, ठीक है, द्विध्रुवीय आयन बन जाता है, डाइपोलर आयन बन जाएगा। इसके बाद आता है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? एमिनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप होते हैं? CWH ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है। तो एक एमिनो अम्ल का NH2 ग्रुप आएगा और दूसरा एमिनो अम्ल का CWH ग्रुप आएगा। कैसे? देखो यहां समझा रही हूं। मानो ये एमिनो अम्ल है, ये एक एमिनो अम्ल है, इसका जैसा ये साथ वाला एमिनो एसिड इसके जैसा भी हो सकता है, इससे डिफरेंट भी हो सकता है, इसके जैसा भी हो सकता है और इससे डिफरेंट भी हो सकता है। मैं इसके जैसा ही ले रही हूं, ये लो इसके जैसा ही लिया, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। जैसे मैं इसमें ये चेंज कर दूं, मैं बोलूं भाई मैं इसको H कर दूं तो आप बोलोगे मैम फिर ये बन गया ग्लाइसिन। क्या बन गया? ग्लाइसिन। इसमें भी H कर दूं तो आप बोलोगे मैम ये भी ग्लाइसिन है। यानी एमिनो अम्ल लिए दो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। इनको देखो CWH है, NH2 है, इसमें से क्या निकल जाएगा, इसमें से OH ग्रुप बाहर निकलेगा और इसका एक H बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकल गया? आप बोलोगे मैम पानी। पानी बाहर निकलते ही देखो इसमें से OH बाहर निकला और इसमें से H, तो इसमें क्या बचा, आप बोलोगे CO और इसका क्या बचा NH। ये आपस में जुड़ गए। ये जिस बंध से जुड़े हैं वो कौन सा बंध हो गया? आप बोलोगे मैम पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा हुआ? CO NH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो CO NH बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड है। एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह होगा, एक एमिनो एसिड का NH2 समूह होता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला और दोनों एमिनो अम्ल किस बॉन्ड से जुड़ जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक है। कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। आपका पिछली बार 2022 में आपके यही क्वेश्चन आया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट में अपन ने क्या पढ़े थे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब पढ़े थे मोनोसेकेराइड इकाइयों के बारे में। तो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं तो वहां पर भी पानी बाहर निकलता है। पानी बाहर निकलता है तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड तो होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपस में कैसे जुड़ते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध से। और आपके एमिनो अम्ल कौन से बंध से जुड़ेंगे? आप बोलोगे पेप्टाइड बंध से। याद रखोगे पेप्टाइड बंध से। अब देखो इसमें दो एमिनो एसिड लिए तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक। अब पेप्टाइड बंध का भी आगे क्लासिफिकेशन होता है। कैसे होता है? एक होता है डाइपेप्टाइड बंध, एक होता है ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, एक होता है टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड। कोई सा भी पूछ ले आपको। आपको पता है मैम जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो मैं दो एमिनो एसिड लेता हूं। डाइपेप्टाइड का मतलब है मेरे को मैम दो पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए। दो पेप्टाइड बॉन्ड कब बन सकते हैं? जब मैंने जैसे मानो ये अमीनो एसिड ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया, तीन अमीनो एसिड लूं, इन दोनों को आपस में जोड़ा। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन ही ले रही हूं, जैसे देखो समझा रही हूं ढंग से। ये 1 मोल हो गए, सेम टू सेम ये दूसरा मोल हो गया ग्लाइसिन का, और ये तीसरा मोल हो गया। 3 मोल ले लिए। डाई पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड दो होने चाहिए। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला, निकलेगा तो एक ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, ये ऐसा कैसा इधर, ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पर, और ये ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पर, और दूसरा यहाँ बनेगा। तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए अमीनो एसिड की कितनी जरूरत पड़ी? 3। तो याद रखना जब एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो अमीनो एसिड एक बढ़ा के लिखो 2। जब डाई पेप्टाइड है इसका मतलब अमीनो अम्ल है 3। ट्राई पेप्टाइड की बात हो रही है, इसका मतलब अमीनो एसिड है 4। अगर आ जाए हेक्सा पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है किसी के अंदर तो आप बोलोगे 6 पेप्टाइड बॉन्ड बनाने हैं, इसका मतलब मैं 7 अमीनो एसिड लूंगा। आ गया समझ में? ये था अमीनो एसिड का छोटा सा आपका टॉपिक। अमीनो एसिड पूरा कवर हो गया इसके अंदर, ठीक है। फिर से देखो आपको क्या याद रखना है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। एक तो ये पता होना चाहिए अमीनो अम्ल होते क्या हैं। तो आप बोलोगे मैम कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप होते हैं तो अमीनो अम्ल कहलाएंगे। कार्बनिक यौगिक पे COOH और NH2 ग्रुप है। उसके बाद मैम मैं याद रखूंगा पोषण की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं न्यूट्रिशन की दृष्टि से। एक आवश्यक होते हैं यानी एसेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन आवश्यक होते हैं यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं आपके उनको भोजन के थ्रू लेना पड़ता है, बॉडी में नहीं बनते हैं तो वह आवश्यक हो गए। अनावश्यक का मतलब है बॉडी में बनते हैं जिनको भोजन के थ्रू लेना नहीं होता, तो वो कौन से हो जाएंगे? अनावश्यक हो जाएंगे। अब आता आवश्यक कौन से होते हैं। तो टीवी मिल पाथ को याद रखोगे, 10 हैं टोटल। टीवी मिल पाथ, मिल में 4 आ गए, पाथ में 4 आ गए, टीवी में 2। टीवी मिल पाथ 10 असेंशियल है तो 10 नॉन असेंशियल है। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है या प्रकाशिक निष्क्रिय कौन सा है या आपका ध्रुवण अघूर्णक कौन सा है। तो पहला है, ओनली पहला ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि उसमें आर एच ही होता है तो उसमें किरेल कार्बन नहीं पाया जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर क्वेश्चन आता है कि आपका एसिडिक कौन से, बेसिक कौन से। तो ट्रिक याद रखोगे, हिज लाइज आर एसिडिक, उसके झूठ अम्ल के समान कड़वे हैं, ठीक है। अम्ल के समान है, अम्ल के समान इट मींस कड़वे हैं, है ना, और झूठ तो हमेशा कड़वे ही होते हैं। तो लाइज का मतलब एसिडिक, का मतलब 2 आ जाएंगे ग्लूटामिक और एस्पार्टिक। हिज का मतलब हिस्टिनिन, लाइज का मतलब लाइसिन, आर का मतलब आर्जिनिन। ये 3 बेसिक है, बच्चे वो सारे के सारे न्यूट्रल है। क्वेश्चन यहीं से आता है। अब आपके एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन आया वो देखो, 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अमीनो अम्ल प्रकाशिक अक्रिय है। प्रकाशिक अक्रिय या आप बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव अभी बताया था ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि इसमें आर क्या होता है? एच। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये है। तो इसमें कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह नहीं जुड़े इसलिए कार्बन किरेल कार्बन नहीं है। किरेल कार्बन पे स्टार लगता है, इसमें यहाँ स्टार नहीं आएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लाइसिन। मैंने एक ही देखा था, ऐसे क्वेश्चन देखना हर बार आते हैं। इस बार तो सीधा सा ही आया था कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है। आप बोलोगे कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। मानो इस बार आ जाए कि एमिनो अम्लों में कौन सा बंध पाया जाता है तो आप बोलोगे कौन सा पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। आ गया सभी को समझ में? आगे अपन कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी का।